आप काशीराम जी अमर रहे, समाज पार्टी जिंदाबाद। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। और आज हम आपको बता दें कि बीएसपी की आज समीक्षा बैठक कैथल में की जा रही है, और बीएसपी यहां पर आज जो है समीक्षा बैठक में अपनी जो जमीन जो है तलाशने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि हरियाणा में किस तरह से बीएसपी की जो जमीन है जो किस तरह से मजबूत की जाए। तो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूम में सीपी सिंह, जो प्रदेश प्रभारी जो बसपा के हैं हरियाणा और जो दिल्ली को देखते हैं, और जो अति विशिष्ट जो अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर महेश, जो प्रदेश प्रभारी बसपा के हैं, और हमारे साथ जो एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जो बसपा के हरियाणा के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज किस तरह की समीक्षा बैठक है। जी सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आपका कैथल ब्रेकिंग टीवी में। सर धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हम लोग, हमारी जो प्रदेश की टीम है जिसको बहन कुमारी मैथी ने इधर नियुक्त करने का काम किया है, मैं दिल्ली और हरियाणा देखता हूँ, और मेरे साथ में डॉक्टर महेश जी जो इधर हरियाणा के प्रभारी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख जी, प्रदेश के हमारे महासचिव सुमेर जांगड़ा जी, प्रदेश के हमारे महासचिव इधर हरप्रीत बत्रा जी, और यहाँ सचिव महेंद्र कुराड़ जी, और यहाँ हमें सभी सम्मानित साथी हमारे इधर हैं। अभी हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि अभी हम लोग 22 के 22 ज़िले में जाकर समीक्षा मीटिंग करेंगे, उसी के तहत आज हम लोग आपके बीच में इधर कैथल के अंदर आए हैं। जी सर, किस तरह की आज समीक्षा बैठक है, और क्या आपको लगता है कि समीक्षा बैठक का जो कितना कुछ असर आपको देखने को मिलेगा? अभी हम लोग कल अम्बाला और यमुनानगर दो ज़िले में मीटिंग करके आए हैं। हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग दोनों मीटिंग में मतलब मौजूद थे, और जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, और आज कैथल में भी हम लोग, ये तीसरी मीटिंग है, तो जो इसमें उत्साह हमारे वर्कर का दिख रहा है, तो जो हमारी नेता की आदेश है कि हमें सर्वजन समाज को इधर बनाना है और सभी जातियों को बहुजन समाज पार्टी जोड़ने का काम करना है, तो और यहाँ पर जो हम लोगों ने जो उनके दिशा निर्देश पर जो संगठन बनाने का काम किया है जिला स्तर पर विधानसभा स्तर पर, तो उसकी समीक्षा करने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि एक दो महीने से हम लोगों ने इनको ये टास्क दे रखा था कि भाई ये आपको काम पूरा करना है, तो उसको हम लोग आज यहाँ हम सारे पदाधिकारी इधर चेक करेंगे कि भी हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं उन्होंने कितना काम किया है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए आज इधर आए। जी जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। सीपी सिंह जी, एक मेरा अटपटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीएसपी की जिसको टिकट मिलती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मौके पर, चुनाव के मौके पर कहीं ना कहीं बिक जाता है, आप क्या कहना चाहोगे? कार्यकर्ता देखता रह जाता है कि हम आखिर वोट दे तो किसको दें। ऐसा बहुत कम रेयर देखने को आपको मिला होगा। बहुजन समाज पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाती है पूरी ईमानदारी से मतलब उसको चुनाव लड़ाने का काम करती है, हमारे जिम्मेदार साथी मतलब उसको चुनाव लड़ाते हैं। यदि बाय द वे कोई ऐसा आदमी गलती से आ गया, या उसमें कोई अपनी अपनी खुद की गलती है, पार्टी ने तो अपनी कोई गलती नहीं की है, पार्टी ने तो राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल उसको देने का काम किया है, और यदि किन्हीं कारणों से वो लालचवश, यदि कोई ऐसा आदमी, मेरे वैसे मेरी निगाह में इस तरह का नहीं है जो आप क्वेश्चन मतलब कर रहे हैं। सर, जो कैथल के विधायक थे, जो इस बार जो विधायक नहीं, जो विधायक के दावेदार जो इस समय चुनाव में खड़े हुए थे, जिनको टिकट मिला था कैथल की ओर से, वो अंत में आके पीठ दिखा गए थे, कार्यकर्ता हैरान और हक्के बक्के चक्के रह गए थे, आखिर हम किसके लिए वोट करें? फिर भी लोगों ने, यदि इस तरह का कोई केस हुआ भी है, फिर भी लोगों ने उनको अपनी पार्टी को वोट देने का काम यहाँ किया है। यदि वो इस तरह का काम भी किया है तो, मगर क्योंकि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे जो वर्कर हैं वो किसी कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, वो चुनाव चिन्ह हाथी को देखते हैं, और अपने नेता की मतलब जो हमारी नेता है उनके आदेश पर मतलब वो काम करने का काम करते हैं, तो उन्होंने अपने नेता के आदेश का पालन किया और अपने सिंबल को वोट देने का काम किया होगा। ये ऐसा नहीं, यदि कोई चला भी गया होगा तो भी यहाँ पर 2500 वोट लोगों ने डाला है, तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पार्टी का जो बेस है वो कितना मजबूत है, कि यदि कैंडिडेट भी चला गया उसके बाद ही 2500 वोट दिया है, तो उसे अपनी पार्टी में कितनी बड़ी आस्था है और अपने नेता में कितनी बड़ी आस्था है। आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, पार्टी की क्या कुछ रणनीति है?
ये उसी की तैयारी चल रही है। हम लोग मतलब जाके अब लोगों अपने लोगों से जायजा लेंगे, बातचीत करेंगे, और जैसी हमारे नेता का मतलब आदेश होगा तो हम लोग सब जगह चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और उसी लिए हम संगठन को मजबूत करने में लगे हैं कि चुनाव अभी 6 महीने लगभग बता रहे हैं कि आगे बढ़ गया है, तो उसमें हम लोग 6 महीने तक पूरी मतलब हर जिले के अंदर जाने का काम करेंगे, हर विधानसभा में जाने का काम करेंगे, और जहाँ भी लोगों को चुनाव लड़ना है तो उनकी भी हमारे लोग जो उनका जो आवेदन पत्र उसे लेने का काम करेंगे, और उसके बाद उनकी तैयारी के आधार पर उनको अपने संगठन के आधार पर, संगठन के लोग जिसको बोलेंगे भाई इनको चुनाव लड़ाना है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, कि कोई ये कह दे कि मैं अकेला टिकट दे दूंगा तो वो गलतफहमी का शिकार है। जो हमारी कमेटी है, कोर कमेटी है, जिसको बहन कुमारी महतो ने नियुक्त किया है, और जो हम लोगों ने मतलब नीचे प्रदेश की कमेटी बनाई है या लोकसभा की कमेटी बनाई है, जिले की कमेटी बनाई है, विधानसभा की कमेटी बनाई है, जो सारे लोग जिस पर मोहर लगाएंगे उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूत ज़्यादा स्थिति में देखने को मिलेगी? ये मैं दावा कर रहा हूँ आपको कि जब 5 साल के अंदर चुनाव होगा या अभी जो 6 महीने के में चुनाव होगा तो आप पहले से अंतर नज़र आएगा, और पहले से बढ़िया परफॉर्मेंस हम लोग करके आपको दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी नेता ने इस बार ज़मीन से जुड़कर मतलब ना काम करने का आदेश दिया है, और अभी हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि जितने आपके यहाँ पर लगभग 7,000 गाँव हरियाणा के अंदर हैं, हम 7 के 7,000 गाँव में जाकर हमारे कार्यकर्ता दस्तक देने का काम करेंगे, और गाँव और शहरों में जो भी उनकी समस्याएँ हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसे बहुजन समाज पार्टी के पटल पर उसके मंच पर उसको उठाने का काम करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से हरियाणा में चुनाव लड़ने का काम करेगी, और जो पहले मतलब पीछे का उससे बढ़िया परफॉर्मेंस कर आपको दिखाने का काम करेगी। जी, ये थे हमारे साथ सीपी सिंह जी। इनका कहना ये है कि इस समीक्षा बैठक से पार्टी के जो है मजबूती मिलेगी, और संगठन जो है मजबूत होगा, और जमीनी स्तर पर किस तरह से, और अभी हम जी सर जी आप सर क्या कहना चाहोगे कि किस तरह की आज जो आप बैठक कर रहे हो इसका क्या परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, और जो बिखरी हुई जो पार्टी है फिलहाल हरियाणा में, क्योंकि लड़ाई की दौर में मैं कहूंगा कि नहीं है अभी कहीं दूर दूर तक, क्योंकि जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, और जो तीसरी पार्टी जो उभरती हुई पार्टी है वो हरियाणा में हम जेजीपी कहेंगे, और अभी आप समीक्षा बैठक से क्या अंदाजा लगा रहे हो सर कि कितना मजबूती के साथ आगे इलेक्शनों में चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इस मीटिंग को कवर करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, और प्रदेश स्तरीय एजेंडा के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के चले हुए हैं। कल 2 मीटिंग थी यमुनानगर अम्बाला जिले की, आज ये 3री मीटिंग है कैथल की। इसमें आप बिखरी हुई पार्टी का जो सवाल आपने किया है, तो बहुजन समाज पार्टी कतई भी बिखरी हुई पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित कैडराइज पार्टी है जो गरीब लोग को का एक बहुत मजबूत संगठन है, और कई बार बीच बीच में कुछ लालची और षड्यंत्रकारी लोग बीच में आते हैं, जिससे कि वो जो गरीब जो लोग हैं वो अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन जो महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वो उनके साथ में चले जाते हैं। तो ये जो आपने सवाल अभी कैथल का किया कि भाई इस तरह का प्रत्याशी था, तो लेकिन अब की बार जो खामियां रही हैं, एक गरीब लोगों का एक जो संगठन है इसको बड़ी मजबूती से खड़ा किया जाएगा, कमियों को दूर किया जाएगा, और दूर करके और बहुजन समाज पार्टी के अंदर जान फूंक करके और उसको तैयार किया जाएगा। इसी तरह उसी कड़ी के अंदर उस तैयारी को लेकर के ये जिला स्तरीय कार्यक्रम रखे गए हैं। आज कैथल के अंदर हमारे बहुत सारे वर्कर आए हैं यहाँ पर, तो उन वर्करों की बात सुन करके, प्रभारी साहब हमारे बीच में, अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, उन वर्करों की बात सुन करके उन सब चीज़ों को, उन खामियों को एक एक करके उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, ताकि भविष्य में वो खामियाँ दोबारा ना हो, और अब की बार जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ है, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। ये जो जजपा की जो आप बात कर रहे हो, जो इनको 10 विधायक मिले हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट इन्होंने किया है, लेकिन जननायक जनता पार्टी का जो सुप्रीमो है वो बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर के बीजेपी के साथ ही सत्ता के अंदर चला गया है, तो इसलिए लोगों में रोष है।
कांग्रेस कहीं है ही नहीं, कांग्रेस के अंदर तो कई कई गुट हैं। जैसा कि आपका यहाँ कैथल से जो चुनाव लड़ा वो भी अपने आप को सीएम बता रहा था, जो उधर रोहतक में एक है वो भी अपने आप को सीएम बता रहा है, तो कांग्रेस के अंदर तो कई सारे सीएम हैं, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट लेकर के जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार बनाने का काम किया है, तो लोग उससे भी दुखी हैं। और आज किसान दुखी हैं, आज व्यापारी दुखी हैं, आज कर्मचारी दुखी हैं, आज यूथ दुखी है, आज महिलाएँ दुखी हैं, आज तमाम तरह के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कभी पीटीआई जो है उनको नौकरी से निकाल दिया, वो जिला सदर पर धरने पर बैठे हैं, कहीं पर आशा वर्कर धरने पर बैठी है, तो और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार है नहीं, युवा त्रस्त है। तो बहुजन समाज पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस बीजेपी और जजपा को नंगा करने का काम करेंगे, और अपने एक एक वर्कर को इकट्ठा करके उसको सम्मान के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। ये मकसद हमारी जो समीक्षा मीटिंगें चल रही है उनका है, और आने वाले समय में आपको बेहतर नतीजे बहुजन समाज पार्टी के देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी। जी, आपकी अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की जा रही है, सर आपको क्या लगता है कि आपके द्वारा जो ये समीक्षा बैठक की जा रही है, आपको क्या लगता है कि वाकई में जो भविष्य में जो चुनाव होंगे उसके अंदर पार्टी मजबूत दिखाई देगी? बहुजन समाज पार्टी पहले भी मजबूत थी और आने वाले समय के अंदर बहुजन समाज पार्टी मजबूत ही नहीं, वो सत्ता तक जाएगी। आप इस भीड़ को आप देख रहे हैं, आज ये तीसरी हमारे जिला की मीटिंग है, ये लोग कोई किराए के लोग नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं। हम ये टीम प्रदेश के अंदर हमारे 15 लोग हैं, जिसमें अध्यक्ष, प्रभारी और हमारे प्रदेश के महासचिव, सचिव, जो तमाम टीम आज दिन रात मेहनत करके इस बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में लगी है। मेरे साथ सुमेर जांगड़ा जी जो बैकवर्ड समाज से हैं, आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त, ये दिन रात मेहनत करके समाज को जोड़ने के लिए जगह जगह जाकर, गांव में जाकर बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी की नीतियों से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे। इसी तरह से हरप्रीत सिंह बत्रा जी जो यमुनानगर से हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, आदरणीय बहन जी का इनके ऊपर भी आशीर्वाद, वैसे तो प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर सभी के ऊपर है, लेकिन इन्होंने भी सिख समाज को, इनको जो ड्यूटी लगाई गई कि सिख समाज को पूरे प्रदेश के अंदर जा जाकर जोड़ने का काम कर रहे, यमुनानगर के अंदर इन्होंने शुरुआत की, जगाधरी के अंदर शुरुआत की, और तमाम साथी हमारे टीम जो हमारे साथ टीम है, माननीय हमारे मुख्य प्रभारी सीपी सिंह साहब जो दिल्ली हरियाणा को देख रहे, आदरणीय बहन जी ने जिनको देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर जिनको सचिव लगाया गया और उनके ये भी आशीर्वाद प्राप्त हैं, माननीय हमारे डॉक्टर महेश जी जो प्रभारी हरियाणा प्रदेश हैं, माननीय बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त हैं, तमाम साथी जो टीम है हमारी वो दिन रात मेहनत करके ये जो लोग लगे हैं ये सरकार बनाने के लिए लगे हैं, और ये तमाम रीढ़ की हड्डी जिनके भरोसे पर, जिनके ऊपर हमें मान है, इनके भरोसे पर आपकी बार हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, और हरियाणा के अंदर आने वाले 6 महीने के अंदर जो चुनाव होगा, पंचायती चुनाव होगा, हमारा टारगेट है, हमने टारगेट साथियों को दिया है कि ब्लॉक के चेयरमैन और जिला के चेयरमैन भी हमारे यहाँ से, हरियाणा से ज़्यादा आपकी बार बनेंगे। और जो बात आपने कहा कि हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी जमीन तलाश रही, जमीन तो आज बीजेपी जो सत्ता में है उसको गांव में बस्ता पकड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि जो वायदे, जो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, और उसकी जो सहयोगी जेजेपी पार्टी जो लोगों से धोखा करके जिन्होंने वोट लिया बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन वोट के आधार पर समाज के अंदर बहुजन समाज पार्टी का, सर्व समाज का सबसे ज़्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी का वोट है, और आज वो, आज इलेक्शन नहीं आप देख रहे, लेकिन ये भीड़ ये बताती है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता की ओर जा रही है। और आपसे भी हम मीडिया से सहयोग चाहेंगे कि आप लोग ईमानदारी से, आप तो करते हैं लेकिन जो आपके आका बैठे हैं वो काट बाड़ कर हमारी खबर को छोटा सा दिखाने का काम करते हैं, आप तो दिन रात मेहनत करके हमारी खबरें ले जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी हमें फख्र है, आने वाले समय में आप भी बहुजन समाज पार्टी का साथ देकर, आने वाले समय में इन्हीं में से MLA देखेंगे आप,
इनका एमएलए आने वाले समय के अंदर चेयरमैन और एमएलए के आप इंटरव्यू लेंगे। मैं मेरी यही आप लोगों से भी मेरा कहना है, मानना है। तो तमाम साथी जो मेरे ये बैठे हैं रीढ़ की हड्डी, मैं इनके बलबूते पर कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जिला में, पंचायत में और विधानसभा एमपी में ये तमाम बुलंदियों को ये कामयाब करने के लिए ये तैयार हैं जी। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी, और आप देख सकते हो आज जो कार्यकर्ताओं के साथ जो समीक्षा बैठक करने के लिए आए हैं, और कार्यकर्ताओं में जोश और दिशा निर्देश यहाँ पर दिया जाएंगे। और देखना यही है कि आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव होंगे, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूती के साथ हमको दिखाई देगी। अब देखना यही है कि समीक्षा बैठक का कितना असर देखने को मिलेगा। बने रहे आप हमारे साथ, मैं हूं कैमरामैन बॉबी सिंह के साथ सन्नी प्रजापति।